Origin of truth and knowledge. Guide us in our studies. Teach us your love and peace. And help us to proclaim the brotherhood of man. Grant us to seek truth always. And direct us to be worthy citizens. Amen. आप थोड़ा पीछे जाइए और चेयर साइड कीजिए. हाँ, पीछे खड़े होइए थोड़ा पीछे जाइए, जितना खड़ा उतना जाइए. सेटअप कर देंगे पीछे. नेशनल प्लेज पीछे गई ना. इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. आई लव माई कंट्री एंड आई शैल ऑलवेज स्ट्राइव टू बी अ लॉयल एंड वर्दी सिटीजन, टू बी ऑफ इट, टू माई कंट्री एंड माई प्लेस. People, I place. May God grant her peace and prosperity. आगे नेशनल एंथम. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग. तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, तब जय गाथा. जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय 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 हे जय. ऐसा करिए, आप वहीं पे चेयर रखिए. हाँ, ज्यादा दिक्कत हो तो उसको हटा दीजिए. अब आप जस्ट वहां ठीक है, और ट्राई कर लीजिए और आगे टेबल कीजिए. कोई दिक्कत नहीं, लाइट आने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है. कॉपी दिखेगा. सो गौरी, अभी मैं कुछ चर्चा करूंगा, आपसे बातचीत करूंगा ये वेकअप होने के लिए, वार्म अप होने के लिए. क्या बोलिए, पहले बोल लीजिए. अभी मैं उसी पर जा रहा हूं. मैं देखिए, सबसे पहले इसको मैं मिटाऊं. सबसे पहले, कल आपका स्कूल है, कौन सा दिन है कल? तो कल मंडे का ही सिलेबस चलेगा या ट्यूसडे का? तो सेम सिलेबस सैटरडे को भी चला था, तो क्या उस दौरान कुछ होमवर्क मिला था आपको? तो क्या आपने उसको तैयारी किया था? मुझे नहीं मालूम क्या आपने किया. You did. होमवर्क जो मिला था आपने किया. मैंने केवल क्लासरूम चेक किया था, कॉपी, होमवर्क नहीं चेक किया था. और जो कि आप मुझे बताओ, जो जी आप मुझे बताओगी नहीं चलेगा. छिपाने का जो है ना तरीका बहुत सारा है, लेकिन ऑनेस्टी से बता देने वाला तरीका उसी में होता है जो ऑनेस्ट बच्चा होता है. लोगों से आप झूठ बोलते हो या छिपाते हो, इसका मतलब है कि उससे आपने बहुत कुछ जीत लिया। आप अपने लिए दिक्कत करते हो, क्योंकि ये आदत है ना, बहुत ही गलत आदत है। यदि ये होता है तो ठीक है। आपको मिला है या नहीं मिला? तुम क्या आपने तैयारी किया है ना? क्यों? जब आपके पास संडे थे, हल्का हल्का मैं नहीं जानता ना, हल्का हल्का क्या होता है? व्हाट इज हल्का हल्का? होमवर्क मीन्स होमवर्क। टीचर आपके पास दो ही काम के लिए आते हैं, एक सीडब्ल्यू के लिए, जिसके लिए उनको मिलती है सैलरी, ठीक है, एक आते एसडब्ल्यू के लिए, जिसके चलते मिलता है स्टूडेंट को रिजल्ट। ये दोनों मास्टर के लिए आपके क्लास वर्क कराने से सैलरी मिलती है, या होमवर्क चेक करने से स्टूडेंट का रिजल्ट आता है, उनका राइटिंग इंप्रूव होता है। जिस चीज का क्लास वर्क किया उससे रिलेटेड ही होमवर्क मिलता होगा। जो चीज पढ़ाई नहीं हुआ है उस वो तो होमवर्क नहीं ना मिलता है, कि मिलता है जो पढ़ाई नहीं वही मिल गया होमवर्क। हमने तो सुना है कि जो क्लास में पढ़ाया जाता है उससे संबंधित होमवर्क मिलता है। बच्चों इतना मैंने बता दिया, अरेस्ट आप करके लाइएगा। जैसे मैं आपको मैथ का क्वेश्चन देता हूं, अरेस्ट आप कीजिएगा, ऐसा ही कुछ है क्या? कि नया है कुछ? लाउडली बोलिए। हाँ। बस ऐसा ही है कि ना मैम कभी-कभी ना एक चीज होता है वो नहीं कर पाती है ना, तो होमवर्क वैसे तो पहले भी बताएंगी तब ना होमवर्क देंगी। जब सीडब्ल्यू होगा तब तो एसडब्ल्यू होगा, सी के बाद नहीं चाहता है कि पहले आ जाता है, तो फिर और होमवर्क कोई ज्यादा भारी नहीं होता है। सीरियसली अब 2 घंटे भी यदि हम होमवर्क के लिए दें विथ फुल ऑफ गुड राइटिंग, वेल राइटिंग, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मम्मी पापा को बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 51 बच्चे आपके क्लास में हैं, 40 से 50 बच्चे यदि क्लास का होमवर्क बना के ले जाते हैं और एक बच्चा नहीं ले जाए तो क्या गुजरेगा टीचर पे? रिजल्ट तो नहीं आएगा बच्चों का ना, राइटिंग। और जो चीज होमवर्क में था वो आपके लिए आपका फ्रेश वर्क होता। आपको पता है ना होमवर्क क्या क्या मिला है? कहाँ मिलता है होमवर्क? डायरी में मिलता है, मोबाइल पर नहीं आता है कि मोबाइल पर भी आता है? तो क्या आपने कभी मोबाइल खोल के देखा? क्या आपने प्रिंट आउट निकाला, डाउनलोड किया, या आपने टिक किया कि मैंने ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया? क्या आपने गार्जियन को, अपने माता पिता किसी एक को जो कि रिस्पॉन्सिबल है पढ़ाई के लिए, क्या उससे आपने डिस्कशन किया, कन्वर्सेशन किया कि पापा मैंने ये बना लिया है, आप सील कर दीजिए? जब भी होमवर्क बनता है उसके या तो माता या पिता होमवर्क के नीचे डायरी पर सील करते हैं कि हमारा बच्चा होमवर्क बना के लिए जा रहा है। हाँ, सी या ही इज अ गुड स्टूडेंट। क्या आपने ऐसा किया? नहीं किया। केवल राम कहानी सुनने से तो बच्चे का इंप्रूवमेंट नहीं ना होगा। बोलिए, 4 तारीख से आपका स्कूल चल रहा है, 4-4 से आज हो गया 16-4, 12 दिन लग, एक भी दिन आपने प्रिंट आउट नहीं निकाला, एक दिन डाउनलोड नहीं किया। क्यों? मोबाइल में तो नोविता है, मोबाइल में तो सिमचैन है, हाँ मोबाइल में तो सारी फालतू चीजें हैं जिससे आपके हिसाब से कोई लेना देना नहीं है। वो चीजें किताब में देखने को भी नहीं मिलेंगी आपको। तो टीचर तो बेवकूफ है, स्कूल बेवकूफ है, तो आपके मोबाइल पर अपलोड करता है। ठीक है, सिस्टम चेंज हुआ, डायरी में मेंशन नहीं होता है। बोलिए, आगे से ये मैं कल भर टाइम दूंगा आपको, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। आपके लिए क्लास वर्क है उतना ही जरूरी होमवर्क है। क्लास में सबमिट करने से पहले सारे कॉपी पे जो वो होमवर्क मिलता है टिक मार्क करके मुझसे आप साइन लेंगे, तब आप स्कूल में सबमिट करेंगे। चाहे वो रिवीजन क्यों ना हो, रिवीजन मतलब याद करना नहीं होता है, रिवीजन मतलब याद करना नहीं होता है, रिवीजन मतलब किताब करके सोते हुए पढ़ना नहीं होता है। रिवीजन मतलब होता है कि जो चीजें दिमाग में आ गई हैं पढ़ने के उपरांत उसको कॉपी में एक बार लिख के देखना कि क्या जितना टीचर ने होमवर्क दिया था क्या वह हमारे कॉपी में मैं लिख पा रही हूँ कि नहीं। यदि मैं यहां लिख पा रही हूँ तो मैं क्लास में भी लिख लूंगी। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे कामों की। हो गया आ जाएगा, नेट कट गया है आ जाएगा। आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। नहीं आ रहा है क्या? तो अब चलते हैं क्लास पे। आप 1 घंटा ठीक है इंग्लिश राइटिंग पे दीजिएगा, इंग्लिश राइटिंग क्लास पे। ठीक है, लोटस हम ऐसे लिखेंगे, लोटस। 1 घंटा इंग्लिश राइटिंग पे दीजिएगा। इस फॉर्म में आपको 1 पेज इंग्लिश और 1 पेज हिंदी राइटिंग आपको लिखनी है। लिखने के बाद तरीका ये है, चीज लिखने के दौरान यदि आपको पढ़ने में नहीं आ रहा है उसके नीचे आप पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे? उसके बाद या तो मम्मी या पापा कोई एक के पास लाएंगे, आप बोलिएगा इस पर सिग्न करिए, सिग्नेचर रिमार्क कर दीजिए। या आपका 1 पेज हिंदी 1 पेज इंग्लिश होना चाहिए। इससे 2 फायदा है, एक टीचर जो क्लास में लिखवाती है ना उतना स्पीड बढ़ेगा, राइटिंग इंप्रूव करेगा, और जितनी बार आपको गलती करिएगा ना उतना बार सही हो, क्योंकि हर बार अल्फाबेट्स आते हैं, हर बार व्यंजन आते हैं, हर बार स्वर आते हैं। तो जो जिद्दी बच्चा होगा कि हम नहीं सुधरेंगे उसी का राइटिंग इंप्रूव नहीं करेगा, लेकिन जो स्मार्ट बच्चा होगा, तेज इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो अपना इंप्रूव कर लेगा। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले कॉपी निकाल लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज वर्कबुक। कॉपी निकालिए, सीधा बैठिए पहले आप, जरा सा मैं स्टूल दे दूंगा, ठीक है ना। हर बार आपका इरेजर लगा हुआ पेपर मेरे को मिलता है, उसमें सुधार लाइए, क्योंकि फ्रेश लिखने के बाद भी पेपर गंदगी हो जाता है, गंदा हो जाता है। कहाँ गया वो बुक? गुड इवनिंग टू ऑल एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, अभिनंदन, आभार। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने नाइटिंगेल के बारे में जाना था, नाइटिंगेल एट द किंग्स नाइटिंगेल, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर 3, द वेद। क्या द वेदर मतलब मौसम। और डिस्कशन चल रहा है अर्णव और अमित्व, अर्णव और अमित्व, जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो अपना डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट फ्राइडे इज अ हॉलीडे, अगले शुक्रवार हॉलीडे है, ठीक है। क्या है? छुट्टियां हैं। क्या है? छुट्टियां हैं। व्हाट विल यू डू? क्या है? और कुछ नहीं सोचिए, दिमाग को पूरी तरह बोर्ड पर रखिए। व्हाट विल यू डू? विल कहां लगता है? हाँ, हिंदी फॉर्म्स में विल कहाँ लगता है? जिस शब्द के अंत में क्या रहे, क्या रहे, हिंदी में क्या रहे? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार ये चीज भूलने लायक नहीं है। जिस शब्द के अंत में गा, गे, गी, ठीक है, दागे की, वहां पे विल लगता है, पहला। दूसरा, जो फ्यूचर को संबोधित करे, भविष्य में जो काम हुई नहीं है लेकिन होने वाली है या होंगी, ठीक है। साथ ही विल जो लगता है कहां लगता है? कहां बता रहे थे इंग्लिश में, बताइए? E, E, C, It, U, They और मीम, ये जो चीजें हैं, ये सब्जेक्ट में विल लगती है, तो फ्यूचर का बोध होता है। और साथ ही विल के साथ वर्ब का पहला रूप लगता है, वर्ब वन लगता है। क्या लगता है? जिस काम से करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया बोलते हैं। तो ये जो वर्ब वन है, क्या है हमारा यहाँ पे? क्या समझ रहा है? डू। तो व्हाट विल यू डू? अर्णव पूछता अमित से, हिंदी में क्या होगा मतलब? ये बोलचाल की भाषा है, ये लैंग्वेज है। वो छोड़िए ना, मेरा जितना सवाल उतना का जवाब दीजिए। मैंने क्या सवाल किया? लाउडली बोलिए। हाँ, बताइए। बस, तुम क्या करोगे? व्हाट विल यू डू। अब क्यों हुआ? पहले बात को समझिए। एक बार समझ जाओगे ना, कभी कहीं दिक्कत नहीं होगा। बोलचाल की भाषा है, इसके बात तुम क्या करोगे, क्योंकि डू मतलब करना होता है, वर्ब का वन है, उसके साथ लग गया विल, तो हो गया करोगे। व्हाट विल यू डू? तुम तुम क्या करोगे? नेक्स्ट फ्राइडे जो होल्ड, अगले शुक्रवार हॉलीडे है, तुम क्या करोगे? सो अमित वो कहते हैं आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं। जी गुड। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कोई आपसे बड़ा हो, रिस्पेक्टेड पर्सन हो या आपके इक्वल भी हो, आपको रिस्पेक्ट देना आता है तो तुम ना बोल के आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे। क्या बोलोगे? आप बोलोगे। ये कौन बोलता है? जिसके पास मैनर अच्छे होते हैं। हमेशा दूसरे को जब रिस्पेक्ट दीजिएगा तो आपको रिटर्निंग गिफ्ट मिलेगा। अच्छा काम कीजिएगा, अच्छा रिटर्निंग मिलेगा। गिफ्ट हमेशा उसी को मिलता है जो अच्छा व्यवहार करता है। तो आप ठीक है ना, अगले सप्ताह आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? तुम क्या करोगे? अब छोटा है, ठीक है, प्यारा। अब लोग इस जगह पर क्या करता है, यदि कोई सबसे दिल से अजीज है, हृदय के करीब है और सो क्लोज फ्रेंड है, प्यार से भी किसी को लोग बोलता तुम क्या करोगे अगले सप्ताह? हर बार इज्जत लोग नहीं देता है, तुम क्या करो, ठीक है ना, क्लोज है, ठीक है, व्हाट विल यू डू? I am not sure. I haven't decided. I decided. मैंने निर्णय नहीं लिया है, मैंने निर्णय नहीं लिया। In the morning, सुबह में I may play football. क्या? प्ले फुटबॉल। और आई मे हेल्प माई फादर। ठीक है, सो सवाल कहा था व्हाट विल यू डू, फ्यूचर की बात आई। हाँ, शायद मैं, अपने पिताजी की मदद करूंगा, क्योंकि विल हर जगह नहीं लगा, विल लगा क्वेश्चन में, उसी फॉर्म में जवाब देना। इंदा आपका इन द मॉर्निंग आपको पूछ रहा है कि शुक्रवार को यदि हॉलीडे है, हमारी और आपकी कन्वर्सेशन हो गौरी और सोनू की, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि नेक्स्ट फ्राइडे गौरी व्हाट विल यू डू? तो आई एम नॉट श्योर, आई हैवंट डिसाइडेड। इन द मॉर्निंग आई मे प्ले सम, आई मे सम ड्रॉ पेंटिंग और क्राफ्ट, एंड और आई मे हेल्प माई मदर। In the afternoon, I shall go fishing with my friend. I shall go my friend's home. मैं जाऊंगी अपने दोस्त के यहाँ फिशिंग करना, जो लोग जानता है वो, अपने दोस्त के साथ। मोनोदीप, इसका नाम क्या है? मोनोदीप। तीन लोगों का जिक्र हुआ। अर्णव, अमितों की बात चल रही थी। अमित बोला कि मैं दोपहर में अपने घर दोस्त के पास जाऊंगा, उसके साथ फिशिंग करने जाऊंगा, जिसका नाम मोनोदीप है। प्लीज गो एंड कम फास्ट। समझ में आ रहा है? अगर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हुई ज्वाइन अस, जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो बच्चे जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं और वीडियो का आनंद ले सकते हैं। स्टडी क्लास का कॉपी पेंसिल लेकर, क्योंकि इसके बाद मैं कोशिश करूंगा मैथ के क्लास में, लैंग्वेज भी जरूरी है। आशा या आवाज आप लोग को आ रही होगी। यदि नहीं आ रही होगी तो प्लीज कमेंट एंड टेल मी if any difficulties. Who is interested in this study class? एक्सक्यूज मी, सॉरी। कैसा है आपने छोड़ दिया, सुबह में जाएंगे कल ऑटो से जाएगा। मैं प्रणाम भैया जी, जयराम भैया जी, सुस्वागतम। मैथ का जो क्लास होगा ना वो उसमें आपको दिया रहेगा, आपके बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं। तो जरूरी है मैथ का भी आप अभ्यास होना, और ये कोई बच्चा क्या कर सकता है, 1 का 2 का 3 का और जो चाहे इंटरेस्टेड दिल है दिल पसंद बनाने की। बहुत बढ़िया पता होगा एकदम, सुगंध आ रहा है पूरा। मंत्री जी क्या सलाह है सुंदर? नहीं जाते हैं वो सर का पेंशन का बनाना था फॉर्म, सर कहाँ क्या लोग करके रखा था पता ही नहीं। टाइप पूरा मार दी, वो ऐसे ही हम देखिए सब रहता है। साफ आदमी रहता है ना, उससे बात करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बुरा हंसना करना कितना लेट लग रहा है, ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है, शरीर है तो। कम 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 पास बेटा कम। So welcome to the class again with some this sit guest ना, ठीक है सीधा बैठिए प्लीज, वैसे क्लास में नहीं बैठते। एक सो हम कहाँ थे तो बताया, अमितों ने बताया आई एम नॉट श्योर, आई हैवंट डिसाइडेड, मैंने डिसाइड नहीं किया, तय नहीं किया है। इन द मॉर्निंग, सुबह में शायद, उसको कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो बोलता है इन द मॉर्निंग आई मे प्ले फुटबॉल।